हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद ईज। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लाल मिर्ची का अचार। तो इस अचार को बनाने के लिए हमें सबसे पहले 300 ग्राम लाल मिर्च, जो कि मोटी और बड़ी हो, उसको हमें सबसे पहले वॉश कर लेना है और अच्छे से सुखा लेना है। उसके बाद हम इसे बीच में से कट करेंगे, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है। उसके बाद हम एक पैन में 1/4 कप सौंफ लेंगे और उसे रोस्ट करेंगे लो से मीडियम हीट पर। उसके बाद हमें 2 टेबल स्पून कोरिएंडर सीड्स डालना है और उसको भी रोस्ट कर लेना है। इन दोनों को थोड़ी देर तक रोस्ट करने के बाद अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच मेथी के दाने डालेंगे। उसके बाद 1 बड़ा चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच अजवाइन डालकर इसको बिल्कुल लो हीट पर 1 मिनट तक भूनेंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब एक बोल में इसे निकालकर अलग रख दें और सेम पैन में 1/4 कप मस्टर्ड सीड्स लें और उसे भी 1 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लें लो हीट पर। इसको भी रोस्ट होने के बाद एक बोल में निकाल लें और लास्ट में हमें 1 टेबल स्पून कलौंजी लेना है, उसको भी अच्छे से रोस्ट कर लेना है फॉर फ्यू सेकेंड्स। अब हमें 1/3 कप सरसों का तेल लेना है और उसको गर्म करना है और उसको जब तक पकाना है जब तक कि उसमें से धुआं ना निकलने लगे। अब एक ब्लेंडर में जो हमने सबसे पहले सीड्स का मिक्सचर बनाया था उसको डाल लेना है और उसको दरदरा पीस लेना है। ध्यान रहिए, हमें इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है। इस मिक्सचर को मैंने एक बोल में निकाल लिया है। उसमें दरदरी पिसी हुई सरसों, जो कि मैंने ठंडा होने के बाद पीस ली थी, और जो रोस्ट की हुई कलौंजी थी वो भी डाल दी। उसके बाद इसमें 2.5 बड़ा चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच काला नमक, 1/2 छोटी चम्मच हींग डालकर मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें डालें 1/4 कप व्हाइट विनेगर और उसको भी मिक्स कर लें। इसके बाद हमें इसमें डालना है 2 बड़े चम्मच ड्राई मैंगो पाउडर। अब हम इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, बट ध्यान रहे ये तेल थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। इसको डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे अचार का मसाला रेडी है। जो बचा हुआ तेल था उस तेल में मैंने 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल के मिक्स कर लिया है। अब इस मसाले को लाल मिर्च में अच्छे से दबा दबा कर भर लेना है, जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया है। आप देख सकते हैं मैंने सारी मिर्च इसी तरह से रेडी कर ली हैं। अब आप एक कोई भी कंटेनर ले लें, यहाँ मैं ग्लास कंटेनर यूज कर रही हूँ। उसमें सरसों का तेल अच्छे से चारों तरफ डाल लेना है। चारों तरफ अच्छे से ग्रीस करने के बाद अब इसमें मिर्च डाल दें। इस
इसके बाद हमें इसमें जो बाकी का सरसों का तेल है वो डालना है, और जो हमने मसाला प्रिपेयर किया था वो भी थोड़ा सा ऊपर से डालना है। मसाले को डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें और कवर करके 8 से 10 दिन के लिए धूप में रख दें। उसके बाद ये अचार रेडी है और आप इसे खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये इंस्टेंट अचार की रेसिपी अच्छी लगी हो सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।